कानून व्यवस्था शिक्षक बहाली में घोटाले को लेके बेबुनियाद आरोप है और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लोग डेली इसी बात को रोता, इस्तीफा दे दो। अरे क्या इस्तीफा दे दो भाई, लाखों के तादाद में नौकरियां बढ़ रही है, शिक्षा व्यवस्था सुधारा जा रहा है, अस्पताल की व्यवस्था को सुधारा जा रहा है, कल्याणकारी योजनाएं आ रही है, ऐतिहासिक काम हो रहा है जो बिहार ने कर रहा है, देश में उसकी चर्चा हो रही है और राज्यों में उसकी मांग उठ रही है, तो किस बात का इस्तीफा दे दो? इससे इस्तीफा मांगने से क्या होगा? देना हो तो दे, भारत सरकार के लोग सदन में भाकपा माले के विधायकों ने दृष्टि में मारे गए लोगों को बोले पिछड़ा और अति पिछड़ा को कम किया गया, अब फिर बोलते यादव का बढ़ा दिया गया। क्या यादव पिछड़ा नहीं है क्या? तो 1931 का आंकड़ों में 11% यादव था, 11% तब था जब उड़ीसा और झारखंड साथ थी, तो अलग हुआ है, दिन बढ़ा है, तो उतना आप देख लीजिए उतना ही संख्या। और जहां तक माइनॉरिटी की बात है, माइनॉरिटी का तो हर साल मतलब हमेशा होता रहा है, तो वो तो सबके सामने है, तो इसे बेबुनियाद आरोप लगाने से कोई मतलब नहीं। अच्छा एक बात बताइए, बढ़ा दिया गया या घटा दिया गया तो कौन सा आधार पे बोल रहे हैं? अनुमान एक, हम लोग के पास तो साइंटिफिक आंकड़ा है भाई, उनके पास कौन सा आंकड़ा है ये ना बताइए, बढ़ाया या घटाया किसी बेस पे ना बोलेंगे, कौन से बेस पे बोल रहे हैं? और आपको भी पता है अगर बढ़वाना होता तो नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो कुर्मी समाज का और नहीं बढ़ा दिया जाता? काहे नहीं बढ़वा दिया अपना मुख्यमंत्री जी को? ये कोई लॉजिक है क्या? हकबका गया है, लोग हकबक में है, बोलना क्या था अमित शाह को, बोल क्या दिए, वो आ रहे हम ही को फायदा पहुंचाने। धन्य हो अमित शाह जी, बार बार आते फाइनेंशियल सर्वे रिपोर्ट।